व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आणि जर कधी आपण नवीन व्ह्यूअर असाल तर आपल्याला सबस्क्राईब बटन फक्त एकदाच प्रेस करायचं आहे आणि त्या बाजूला बेल आयकॉन असलेले बटन प्रेस करून त्या ठिकाणी ऑल म्हणायचं आहे. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कलाश्री आर्ट के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है. आज हम चित्रकला के डिजाइन इस विषय के बारे में और जानकारी लेंगे, सीखेंगे. डिजाइन चित्रकला के विभिन्न प्रकारों से एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है. इसे हम संकल्प चित्र या नक्शीकाम भी कह सकते हैं. डिजाइन इस सब्जेक्ट में हमें अपनी कल्पना शक्ति से अलग अलग शेप्स और एलिमेंट्स, इनको एक साथ एक जगह पे दिए गए आकार में संयोजन करना होता है. इसे हम डिजाइन या संकल्प चित्र बोलते हैं. डिजाइन में ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, नेचुरल फॉर्म्स तथा डेकोरेटिव फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है. दिए हुए साइज में हमने यहाँ फिश के कुछ डेकोरेटिव फॉर्म्स, वेवी लाइंस, ग्रास, स्टोन आदि एलिमेंट्स का ओवरलैपिंग तरीके से संयोजन किया है. इस विषय में आप स्केल, कंपास बॉक्स, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेसिंग पेपर आदि का उपयोग कर सकते हैं. इस विषय में आपको कोई बंधन नहीं है. आपका ड्राइंग पेपर के सेंटर में होना चाहिए. स्केल का उपयोग आप अनिवार्य रूप से करें. डिज़ाइन के लिए आप वाटर कलर, पोस्टर कलर, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल आदि का यूज़ कर सकते हैं. इसमें पोस्टर कलर का यूज़ कॉमन है. पोस्टर कलर यूज़ करते समय कलर पेस्ट में पानी की मात्रा कम हो, इससे रंग लगाते समय रंगों में पैचेस नहीं दिखते. आप बड़ी जगह पर बड़े ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा छोटी जगह पर आप छोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं.
डिज़ाइन के हर एक पार्ट को आप अलग अलग शेड में कलर कर सकते हैं, कलर करना है। इसके साथ साथ आपको पेंट करते समय रंगों का शार्प पेंट आपको करना है। आप पोस्टर कलर यूज़ करते हो तो आप अपने पास अवेलेबल कलर में वाइट अन्यथा ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हुए आप नई शेड बना सकते हो और पेंट कर सकते हो। तैयार की हुई शेड आप अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे फिल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कोई एक शेप के पड़ोसी शेप में सेम कलर ना हो, यानी अपने पड़ोस के शेप में सेम कलर ना हो, इससे ड्राइंग प्लेन हो सकता है। कलरिंग करते समय बीच बीच में ब्रश साफ करने वाला पानी
चेंज कर लें, इससे हमारे कलर डल नहीं होते हैं, जैसे येलो कलर, वाइट कलर और कुछ लाइट कलर जल्दी डल होने की संभावना रहती है। कलर होने के बाद या आपके नियोजन के अनुसार आप विभिन्न टेक्सचर्स पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपको जानकारी होने वाली टेक्सचर पद्धति का आप यूज़ करके अपने ड्राइंग में टेक्सचर का क्रिएशन आप कर सकते हो। हम यहाँ पुराने टूथब्रश का यूज़ करके स्प्रिंकल टेक्सचर का क्रिएशन कर रहे हैं। टेक्सचर करते समय आपको बैकग्राउंड का पेपर अच्छी तरह से रैप करना है ताकि इसे कोई दाग न लगे। अगर किसी वजह से दाग लग जाते हैं तो आपका ड्राइंग का इम्पैक्ट कम होता है। आप डिज़ाइन को कलर करते समय कोई कलर स्कीम भी उपयोग कर सकते हैं, या आपको प्रश्न पत्र में दी हुई कलर स्कीम का उपयोग करना है, या प्रश्न पत्र में दी हुई कलर स्कीम के अनुसार आप कलर कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर फिश और बाकी एलिमेंट्स के साथ फिश टैंक का संयोजन किया है। तो इसमें हम बैकग्राउंड में कूल कलर्स और फिश के लिए वार्म कलर्स यूज करेंगे। इस संकल्प चित्र नक्शी काम में हमने आजू बाजू में डार्क कलर और अंदर की साइड में लाइट कलर का यूज किया है। हमने सेंटर में लाइट कलर का यूज किया है ताकि देखने वाले का फोकस सेंटर में बना रहे। डिजाइन चित्र इसका कलर काम करते समय कलर शेड ज्यादा मात्रा में बनानी चाहिए। बीच में शेड खत्म हो जाती है तो सेम शेड बनाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए आपके पास ज्यादा मात्रा में कलर शेड अवेलेबल होनी चाहिए। कलर करते समय हाथों के नीचे नैपकिन या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें ताकि आपका चित्र खराब न हो। अगर आप राइट हैंड से कलर कर रहे हो तो वाटर बाउल कलर पैलेट आपके राइट हैंड की साइड में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या आप लेफ्ट हैंड से कलर कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड की साइड में रखेंगे तो आपको कलर करने में ज़्यादा आसानी होगी, इससे आपके चित्र में दाग लगने की संभावना कम हो जाती है।
आपके ड्राइंग की कलरिंग शार्प रहेगी और पेपर के आजू बाजू में या चित्र के आजू बाजू में कोई दाग न हो तो चित्र और भी निखर जाता है। कलरिंग आपको शार्प तरीके से करनी है, लाइन के एजेस आपको शार्प पेंट करने हैं। आप अलग अलग शेड का यूज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं, टेक्सचर का यूज़ आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने हमारा डिज़ाइन चित्र तैयार किया है। आगे आपके लिए कुछ संदर्भ चित्र मौजूद हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।